हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय प्रेगनेंसी जर्नी। तो शुरू करते हैं। हम जुलाई 22 में इंडिया से यूएई आए। उस टाइम हम यूएई रहते थे। तब तक हमें बिल्कुल हम लोग बिल्कुल पता नहीं था हमें कि आई एम प्रेगनेंट। देन नेक्स्ट मंथ अबाउट फर्स्ट वीक ऑफ द ऑगस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई पीरियड्स। देन आई डिड नॉट गॉट माई पीरियड्स। सो आई वॉज वरीड कि क्या हो गया। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड कि मैंने अपने प्रेगनेंसी किट से अपने आप भी चेक नहीं किया कि क्या बात है। तो फिर दीपक ने बोला चलो डॉक्टर के होके आते, तुम चेक नहीं कर रही हो तो। तो हम डॉक्टर के गए एंड हमें पता चला इट्स 5 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब फर्स्ट टाइम हमने इसकी हार्ट बीट सुनी, इतना मैजिकल मोमेंट था ना वो। मतलब पहले तो हम डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला अबाउट द प्रेगनेंसी, हम इतने खुश थे, इतने खुश। फिर मीन्स इट वॉज सो इमोशनल मोमेंट जब डॉक्टर ने बताया स्क्रीन पर देख के, छोटा सा वो जो डॉट दिख रहा है वो आपका बेबी है एंड इट्स अ 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। वी आर सो हैप्पी। मतलब मैं हम लोग रोने लगे, इतने हम खुश थे। तो ठीक है, हम फिर घर आए, हमने सबको बताया, मेरे मम्मी पापा को, दीपक की पेरेंट्स को। तो एवरीबडी वॉज सो हैप्पी। सब बहुत दिन से वेट कर रहे थे इस न्यूज़ का कि कब हम उनको ये गुड न्यूज़ सुनाएंगे। तो जैसे ही हमें पता चला प्रेगनेंसी के बारे में, हम लोगों ने अपनी डाइट में चेंज किया। हम लोग वैसे ही खाना खाने लगे और प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट वैसे ही लेने लगे जैसे प्रेगनेंट लेडी को लेना चाहिए। तो ठीक है, दूसरी औरतों की तरह आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि वॉमिटिंग होगी, नौशिया होगा, कुछ तो होगा। मैं सोच रही थी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब तक कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं आए प्रेगनेंसी के। ठीक है, मेरी प्रेगनेंसी इतनी हेल्दी थी, बहुत ही अच्छी प्रेगनेंसी थी। मतलब थैंक गॉड कि हम, क्योंकि अकेले रहते थे, दीपक भी शिप पे चले जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि 24 आवर्स भी उन्हें शिप पर रहना पड़ता था, तो मैं घर पे अकेली होती थी। अगर इतनी मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन भगवान की कृपा से सब अच्छा था। प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी रही। हाँ, स्टार्टिंग के 1-2 वीक में, जब तक मुझे पता नहीं चला था तब तक मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट पेन होता था, बहुत ही साइड्स में बहुत पेन होने लगा था। तो मुझे थोड़ा शक तो हुआ था कि यार ये क्यों हो रहा है। लेकिन मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो एक सबसे अच्छी बात देखी वो है कि जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा हम अच्छा फील करेंगे, हम एक्टिव रहेंगे, उतनी ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। मतलब उतना ज़्यादा हमारी प्रेगनेंसी अच्छी रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं पूरे घर का काम भी करती थी, मैं हर चीज़ खाती पीती थी। हाँ, स्टार्टिंग के 1-2 महीने मुझे जैसे मुझे लहसुन प्याज से दिक्कत होने लगी, मुझे एग से दिक्कत होने लगी। तो ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें मैं नहीं खाती थी, बाकी मुझे और कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ठीक है, मैंने लेकिन अपनी प्रेगनेंसी में यही देखा कि मैं बहुत पॉजिटिव थी। तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जब सब लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे मत करो, आई नो वो कंसर्न होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, हमें सब घर का काम करना चाहिए। और अगर कुछ क्रिटिकल कंडीशन है, डॉक्टर ने बताया है रेस्ट, तो ठीक है, वरना कुछ लड़कियां जानबूझ के भी जैसे ही प्रेग्नेंट होती है बेड पे आ जाती है अपने आप। तो सो इट्स नॉट अ गुड हैबिट। तो हमें काम करते रहना चाहिए और पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था, तब से मैंने गर्भ संस्कार के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब जैसे हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हमने पढ़ा भी है, गीता में भी, भगवद गीता में भी, कि जब अभिमन्यु उसकी माँ के गर्भ में था तभी उन्होंने उन्हें चक्रव्यूह में घुसने की विद्या सिखा दी थी। लेकिन जब उसके पापा उसको, उसकी माँ को स्टोरी सुना रहे थे निकलने की, तब उसकी माँ की आँख लग गई और अभिमन्यु निकलने की विद्या नहीं सीख पाया था। तो सेम थिंग अप्लाई विद द किड्स। मीन्स अभी भी ये गर्भ संस्कार एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जितना अप्लाई करेंगे, हमारा बच्चा उतना ही ज़्यादा संस्कारी और अच्छा बच्चा पैदा होगा। मतलब जब हिरेन मेरे गर्भ में था, तब मैं
तब हमने इसको तब हम बोलते थे कि बेबी अब रात हो गई है, अभी सोने का टाइम है, तब आप सो जाइए। तो ठीक है, ये तब कोई हलचल बंद हो जाती थी, जब मैं सो जाती थी तब इसकी हलचल बंद हो जाती थी। फिर मैं उठती थी, मैं उठते ही बोलती थी हेलो बेबी गुड मॉर्निंग, उठ जाइए। तो फिर थोड़ी देर बाद इसकी भी हलचल शुरू हो जाती थी। ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में इतनी सेटिस्फाई थी, मैं इतनी फुलफिल हर चीज़ से, मैं मतलब मुझे अपने पति इतने अच्छे से प्यार करते थे, इतनी मेरी केयर करते थे, मेरे घर वाले मेरी इतनी केयर करते थे, तो मैं इतना ब्लेस्ड सा फील करती थी उस टाइम। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी में हर तरह से संतुष्ट थी, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी और ना किसी चीज़ का प्रेशर, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं। तो इट वॉज़ वेरी गुड जर्नी। तो अभी भी मैं देखती हूँ कि हिरेन अपने आप में सेटिस्फाई बेबी है, मतलब बहुत ही डिवाइन बेबी है हिरेन। अगर प्रेग्नेंट मदर सेटिस्फाई नहीं होती है या वो चिड़चिड़े रहती है, परेशान रहती है, तो ऑटोमेटिक बेबी चिड़चिड़ा होता है, जिद्दी होने लगता है। और मैंने कई ऐसे सारे केसेस देखे भी हैं कि जिनमें उनकी मदर स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी रही, चाहे वो किसी भी रीज़न से हुई, फैमिली रीज़न या फिर अपनी हेल्थ, किसी भी वजह से, तो बच्चे अपने आप से चिड़चिड़े और जिद्दी से हो जाते हैं। लेकिन भगवान की दया से मेरे केस में ऐसा नहीं था। तो हिरेन अभी भी बहुत ही गुड बेबी है, बहुत ही मतलब। और जब हमने इसे रात को सोना सिखाया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये पहले दिन जब से हमारे घर पे आया हॉस्पिटल से, तब से ये रात को सोता है। बस 3-3 घंटे में उठता था दूध पीने के लिए, बाकी फिर सो जाता था। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई उस टाइम कि रात रात भर जागना पड़ रहा है, रात रात भर बेबी जाग रहा है। ये उस टाइम रात को सोता था, सुबह अपने आप उठता था। मैं भी थोड़ा शॉक हो गई थी कि क्या बात है। तो पर हाँ ठीक है, तब मैंने बिलीव किया कि यार गर्भ संस्कार कुछ तो है, जिसे हम माने या ना माने, लेकिन कुछ तो है। गर्भ विद्या एक ऐसी विद्या है जो आपको, अगर आप जितना बच्चे को सिखा सकते हैं, जितना उसे समझा सकते हैं, अभी से उससे अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करें, जितना आपको जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें। रामायण, मैं अपनी प्रेगनेंसी में बहुत रामायण देखती थी, और पढ़ती तो नहीं थी पर हाँ टीवी में मैं बहुत रामायण देखती थी। तो ये हिरेन इज़ अ गुड बेबी, मतलब दूसरे बच्चों की तरह ये चिड़चिड़ा बदतमीज़ सा नहीं है, मतलब बदतमीज़ नहीं कह सकते छोटे बच्चों को, पर हाँ जिद्दी विद्दी नहीं है ये शुरू से बहुत ही डिवाइन बेबी है। फिर 18 से 22 वीक के बीच में डॉक्टर ने बोला कि एबनॉर्मलिटी टेस्ट करवाना है टू चेक रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड एडवर्स सिंड्रोम। तो 18 से 22 वीक के बीच में वो वाला टेस्ट हुआ, तो इट वॉज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। 7th और 8th मंथ में तो बेबी की मूवमेंट इतनी तेज़ हो जाती है, और ये फील करना कि एक जान हमारे अंदर पल रही है, हमारे साथ खा पी रही है, सो रही है, उठ रही है, इतना अद्भुत एहसास है ना उसे बड़ा होते देखना। डॉक्टर ने हमें उस जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, हमने उसको मॉनिटर पे देखा, हमारे लिए इतना मैजिकल था ये सब एहसास, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद 24 से 28 वीक में हमें करवाना था शुगर टेस्ट। तो उसमें पहले खाली पेट टेस्ट करवाएंगे, मतलब 24 और 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग वाला टेस्ट करवाएंगे, और उसके बाद ग्लूकोज वाटर देकर फिर टेस्ट करवाना होता है। तो 12 आवर्स फास्टिंग वाले में भी मेरी 100 शुगर आई थी, जो कि 90 आनी चाहिए थी, और उसके बाद शुगर के बाद 1 घंटे बाद जब टेस्ट करना था तो मेरी 195 आई, जबकि वो 140 के आसपास आनी चाहिए थी। तो शुगर मुझे उस टाइम हमें पता चला कि मुझे हाई डायबिटीज़ है, हाई लेवल ऑफ डायबिटीज़। ये 7 मंथ का है, तब तक बेबी टाइनी ह्यूमन बन गया था, इसके हाथ पैर पूरे बन गए थे। देखो स्क्रीन पे ये हाथ पैर चलाते हुए दिखाई दे रहा है। जब ये हमें हाथ पैर चलाते दिखाई देता था, हमारी आवाज़ सुन के अरे हम इतना खुश हो जाते थे, हम पागल ही हो जाते थे एकदम। ये देखो इसके हाथ, ये देखो इसके पैर, इसकी आंखें, हम देखने लगते थे, हम इमेजिन करने लगते थे ये किसकी तरह दिखेगा, किसकी तरह बोलेगा। तो हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि थोड़े दिन डाइट पे कंट्रोल करके देखो। तो उसके बाद मैंने मीठी चाय पीना बंद कर दिया, मैदा का कुछ बाहर का खाना सब बंद कर दिया, और जो मैं कर सकती थी मैंने सब कंट्रोल करा, जैसे कि बनाना नहीं खाना, ग्रेप्स नहीं खाना, बल्कि मुझे ग्रेप्स इतने पसंद है। प्रेगनेंसी में पहली बार मुझे जाके मीठा अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिर भी अब शुगर हो गई थी तो मैंने वो भी बंद कर दिया। तो ठीक है,
कंट्रोल किया कंट्रोल किया। एक ग्लूकोमीटर करके एक मशीन आती है जिसे हमें हर रोज अपना टेस्ट करना था, तो मुझे एनालिसिस करना था अपने कम से कम 10 से 12 दिन का। तो एनालिसिस करने के बाद पता चला कि अभी भी कंट्रोल नहीं हो रही है, अभी भी मेडिसिन। हमारी डॉक्टर ने मेरे लेवल ऑफ डायबिटीज को देखते हुए ग्लूकोफेस सजेस्ट की। तो ठीक है, वो मुझे सुबह सुबह कुछ भी खाने से पहले, सिर्फ पानी के बाद में ले सकती थी, तो सुबह सुबह सबसे पहले मुझे वो मेडिसिन लेनी थी ग्लूकोफेस। उसके बाद एनालिसिस किया 7 दिन और दवाई खाने के बाद, तो फिर शुगर लेवल मेरा कंट्रोल में आया। तो ठीक है ऐसे करके ठीक है शुगर भी कंट्रोल आ गई। लेकिन कंट्रोल के बाद भी मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि ठीक है कंट्रोल आ गई है, लेकिन अभी भी तुम्हें अच्छे से ही रहना है। जैसे कि उन्होंने मुझे बोला कि बनाना नहीं खाना है और राइस नहीं खाने, मैदा नहीं खानी है, और हाँ अगर तुम्हें 4 रोटी की भूख है तो तुम्हें 2 ही रोटी खानी है, और मैक्सिमम तुम 3 खा सकते हो, लेकिन तुम्हें 4 तो बिल्कुल नहीं खानी अगर तुम 4 खाते हो तो। तो ठीक है ऐसे करके डॉक्टर ने मेरा कंट्रोल करवाया। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी एक चीज़ थी कि मैं पॉजिटिव रही कि मतलब ठीक है शुगर है जो भी है। मैंने कई सारे लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि इट्स नॉर्मल, प्रेगनेंसी में शुगर होना इज़ नॉर्मल। तो तब मुझे थोड़ा सा हौसला आया कि चलो ठीक है शुगर कई सारे लोगों को हो जाती है। लेकिन हाँ, लेकिन हम देखो कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमें हमेशा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा रहना चाहिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर चाहे 5 मिनट ही करूँ, लेकिन मैं उस टाइम पूजा करती थी, तो मुझे उससे इतनी हिम्मत मिलती थी क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मतलब आप सोचो फैमिली में रहते रहते भी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और मूड स्विंग्स, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन मैं उस टाइम अकेली रहती थी। और एक बार तो ऐसे हुआ था कि मेरे हस्बैंड को वर्क के मतलब हाँ उनके वर्क की वजह से उन्हें 7 दिन तक सिंगापुर जाना पड़ा, 5 दिन बहरीन जाना पड़ा, तब मैं पूरा टाइम अकेली रहती थी, तो मुझे रात को डर भी बहुत लगता था। लेकिन ठीक है वो टाइम भी निकल गया, मतलब लेकिन मैं पूजा करती थी भगवान की, तो मुझे उससे बहुत हिम्मत मिलती थी, बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी। इसके अलावा मैं घूमने जाती थी बाहर, मीन्स आप थोड़ी देर वॉक पे जाएं, गार्डन में चले जाएं, हमारे घर के पास ही एक बहुत अच्छा बीच था, तो दीपक और हम दोनों वहाँ पे वॉक करने जाते थे शाम को। तो इट वॉज़ वेरी गुड, मतलब जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अच्छा लगे, जितना अच्छा फील करोगे, जितना आपका आसपास का अच्छा एनवायरनमेंट होगा, उतनी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कतें भी है, मीन्स बेड रेस्ट के अलावा अगर थोड़ा उल्टी वगैरह भी होती है, तो ठीक है उसे परेशान मत हो, थोड़ा आराम आराम से थोड़ा थोड़ा जो हो सकता है वो खाओ। तो पॉजिटिव लो, मतलब प्रेगनेंसी ऐसा सोचो कि बीमारी नहीं है, और अगर उल्टी भी हो रही है, नौसिया भी हो रहा है, तो ये सिर्फ सिम्टम्स है, ये थोड़े दिन ही रहेंगे। बहुत सारे केसेस में बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि 9 महीने तक उल्टी और नौसिया चलता है, अदरवाइज मैक्सिमम 3 महीने के बाद ये सब चीज़ें होना बंद हो जाती है। 3 महीने से 6 महीने तक का पीरियड जो होता है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है। 6 महीने के बाद 7वें महीने 8वें महीने से थोड़ा थोड़ा पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो मे भी थोड़ी दिक्कतें शुरू हो जाएँ। बाकी 3 से 6 महीने अच्छा, बहुत अच्छा पीरियड होता है, सब अच्छे से खा पी सकते हो, ये वो जितना घूमना हो घूमो फिरो तो इट वॉज़ लाइक गोल्डन जर्नी फॉर मी। यहाँ पर कैनेडा में तो डॉक्टर्स की इतनी प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स बार बार नहीं देखते। लेकिन यूएई में मेरे साथ बहुत अच्छी बात थी कि हमारी जो डॉक्टर थी वो एक मलयाली डॉक्टर थी, बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी वो। तो हम हर महीने चले जाते थे, हर 3 हफ्ते बाद हम अपने डॉक्टर के पास चले जाते थे। कुछ भी दिक्कत नहीं है तो चलो ऐसे कि बेबी को देखने का मन कर रहा है, चलो डॉक्टर के पास होके आते, ऐसे वो कुछ जेल लगा के करती थी, स्क्रीन पे बेबी आ जाता था उसे, मीन्स तो हम उसके पास डॉक्टर के पास जाते थे हर 3-4 हफ्ते में। फिर डॉक्टर भी बोलने लगी एक बार तो कि अब 1 महीने के बाद ही आना, अभी जल्दी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। 8 महीने के बाद मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि अब तुम वॉक करना शुरू करो, अगर तुम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो तुम वॉक करना शुरू करो, तुम थोड़ी थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करना शुरू करो। और मैं उसको बोलती थी कि मैं पोचा वोचा लगा सकती हूँ क्या, डॉक्टर ने कहा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से धीरे धीरे स्टार्ट करो, परेशान मत हो और स्ट्रेस लेके मत करो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें एग्जॉस्ट तुम्हें किसी भी हालत में नहीं होना है। तो ठीक है,
आठवें महीने के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी एक्सरसाइज शुरू की, डक वॉक और बटरफ्लाई, ये सारी चीज़ें मैंने शुरू कर दी करना। ठीक है, वॉक पे भी मैं जाती थी तो ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से मेरी प्रेगनेंसी सही जा रही। अराउंड 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऐसा हो सकता है प्रेगनेंसी शुगर वाले केसेस में कि बेबी हैवी हो जाता है, तो हमें 39 के पहले 1-2 वीक पहले डिलीवरी करनी पड़ती है, चाहे वो पेन का इंजेक्शन देके करो या फिर सिजेरियन करो। तो ठीक है, वी वर प्रिपेयर्ड अबाउट इट कि हाँ हो सकता है हमें एक वीक पहले हमें डिलीवरी करवानी पड़े। ठीक है, उसके बाद तो जैसे ही डॉक्टर ने हमें बताया कि बेबी को 1-2 वीक पहले भी लाना हो सकता है, तो अब हम इस बारे में सोचने लगे कि हमें किसे बुलाना चाहिए मतलब मेरी मम्मी आएंगी या दीपक की मम्मी आएंगी, तो हम इस बारे में सोच रहे थे कि किसको बुलाया जाए। फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि अगर मेरी मम्मी आएंगी तो ज़्यादा कंफर्टेबल मैं रहूँगी, तो हमने हम मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी आप आ जाओ। तो मिड ऑफ मार्च में हमने अपनी मम्मी का टिकट बुक किया, मिड ऑफ मार्च में मेरी मम्मी आ गई थी और डॉक्टर ने मुझे ड्यू डेट दी थी 7 अप्रैल या फिर मार्च के एंड में, मतलब 1-2 वीक का ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये वाली मेरी ड्यू डेट थी। तो ठीक है, मम्मी 15 दिन पहले मम्मी आ गई। मम्मी के आने के बाद मैं बहुत रिलैक्स हो गई क्योंकि मम्मी मोस्ट ऑफ काम संभाल लेती थी। मम्मी के आने के बाद मुझे रिलैक्स मिला पूरी प्रेगनेंसी में, मैंने इतना काम किया, लेकिन फिर मम्मी आई तो मेरे को थोड़ा। मम्मी के आने के बाद हमने बहुत सारी जगह मम्मी को घुमाया दुबई में, और फिर हमने गोद भराई का फंक्शन किया। उन सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।